अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं जिन इश्तियाक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस टाइम मैं एक बिजली घर पे हूँ। ये मंगला का एरिया है और यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे टरबाइन चलती हैं, कैसे रिवर से पानी लेते हैं और कैसे इसको जो इसके टनल्स में से गुजारते हैं, फिर टरबाइन पर गिरता है, ये सारा एरिया जितना भी है इसकी थोड़ी सी एक डॉक्यूमेंट्री आपके लिए दिखाते हैं। ये लेफ्ट साइड पे देखें ना, सारा इलेक्ट्रिकल का जितना भी सिस्टम है ये सारा आपको नज़र आ रहा है। और ये मेरी बैक साइड पे सारी टरबाइन का एरिया है और जितनी टरबाइन लगी है वो पानी उसके ऊपर गिरता है और नेचुरली ये हाइड्रो के तौर के ऊपर वो उसको स्पिन करती है टरबाइन और आगे पानी डिलीवर होता है और ये सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसका सारा सिनेरियो मेशर अभी हम टेक्निकल लेते हैं और ये हमें पता होना चाहिए कि कैसे ये बिजली हम जो जितनी एनर्जी है वो यूज़ करते हैं और ये कैसे बनती है, क्या इसका प्रोसीजर है, मेथडोलॉजी क्या है, इसको डिलीवर कैसे करते हैं, ट्रांसफार्मर कैसे यूज़ होते हैं, कैसे इसकी बिजली की प्रोडक्शन होती है, कैसे स्टोरेज होती है और कैसे सप्लाई होती है, ये सारा आपको दिखाते हैं। आए जी वहाँ चलते हैं। अच्छा, ये सारा मेरी बैक साइड की बिल्डिंग, इसके अंदर जाएंगे और ये राइट साइड पे आपको सारा सिस्टम नज़र आ रहा है, किनारे सारी, और ये आपको सारे दिखाते हैं कि कैसे पानी ग्रीन पानी है और ये सारा रिवर झेलम का है ये सारा एरिया। ये सारी टरबाइन अंदर लगी है, पानी इसके ऊपर गिर के आगे जाता है तो ये सारी चीज़ें आगे जाती है। फिर अभी हम अंदर जाते हैं। अच्छा, ये सारी इसकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है। सही, ये इसकी इनोग्रेशन जो है वो जुलाई 1952 की है और सिंगल लाइन डायग्राम है कैसे इसको बिजली बनती है। कितने किलोवाट ये निकलती है, जैसे कितने मेगावाट है, ये सारा एरिया 66 किलोवाट इसकी इसकी कैपेसिटी है। फर्दर आपको दिखाते हैं कैसे चलता है। ठीक है, ये सारा इसका मैकेनिज्म जो है वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। ये जो आपको दो पाइप नज़र आ रहे हैं, ये पाइप इसका डाया है 22 फुट का और ये दो पाइप हैं, इसमें से 3600 क्यूसिक जो पानी है वो इसमें से निकलता है। तीसरे की प्रोविजन है वो जो आपको नज़र आ रहा है सामने, लेकिन उसके बाद ये 1952 में ये बने थे, उसके बाद पाकिस्तान के बाद इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल उन्होंने काम नहीं किया, प्रोविजन नहीं दी। हालाँकि ये टोटल इसकी 22 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है, जो इसमें डिज़ाइन है इसका जितनी बिजली प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ये 16-17 मेगावाट करते हैं क्योंकि ये 3600 क्यूसिक जो पानी है, 3600 की बजाय इनको 2600 के करीब पानी मिल रहा है, जो क्यूसिक पानी है। और ये सारा पानी पेन स्टॉक इसको कहते हैं, ये पेन स्टॉक के थ्रू सारा आता है और वो ऊपर सारे का सारा जो है वो इनटेक रेगुलेटर है, वो पानी को कंट्रोल करता है और इसके ऊपर सारी जो है वो एक कैनाल है, जो फीडर इसको फीडर है ये बेसिकली, इसको कैनाल से पानी मिलता है और यहाँ से पेन स्टॉक के थ्रू ये सारा आगे टरबाइन में जाता है और टरबाइनें इसकी जो है वो आगे बिजली प्रोड्यूस करती हैं। तो कैपेसिटी जो 2200 मेगावाट की बजाय इसमें एडिशनल अगर थोड़ी सी एफर्ट करें तो ये 3100 क्यूसिक फर्दर इसमें अगर पानी ऐड हो तो ये 4900 क्यूसिक पानी हो जाएगा और ये 33 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है जो इसका डिज़ाइन है। 22 चल रहा है और उस 22 में से भी 16-17 मेगावाट जो है वो बिजली प्रोड्यूस करते हैं। ये सारे रेगुलेटर और ये सारा मैकेनिज्म आगे देखते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पीछे में टरबाइन से लगी हैं दो, और ये सारा का सारा जितना भी पानी उधर से आया वो सारा पानी उन्होंने इनटेक किया, इसके ऊपर गिरता है, ये स्पिन करती है और ये स्पिनर जो है वो पानी के प्रेशर से होता है, हाइड्रो इसे कहते हैं। और ये सस्ता है, वो आपका एटॉमिक है या थर्मल है, वो बिजली कॉस्टली होती है, ये हाइड्रोलॉजी के ऊपर है, ये सस्ती होती है। ये जो
बाद आगे आता है स्विच यार्ड, जो मैंने शुरू में दिखाया था वो स्विच यार्ड आपको ये बाहर नजर आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ से ये कुमारिया को और मल्क बाद को ये जो है ना ये सारी चीज़ें सफाई होती है। और ये ज़्यादातर ये 25 दिसंबर से लेके 10-15 जनवरी तक इसका कैनाल क्लोजर होता है एनुअली, उसमें ये इसको बंद करते हैं। और अल्टरनेटिव जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हम देते हैं फिर दोबारा बंगला डैम से या किसी और जगह से। तो इसमें ब्रेक डाउन तो कभी होता नहीं है, अगर हो जाए तो वो फिर इलाके जो है सारे शट डाउन होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है इसका, ये सारी इसकी गैंट्रीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी सारी उठा के देते हैं।
तो असल में ये हमें ये था कि इंफॉर्मेशन जितनी भी है कि नॉलेज के लिए कैसी चीज़ें हैं, ये पहली दफ़ा ये सारी चीज़ें देखी, इसको भी हम जरा ना एक डॉक्यूमेंट्री से बनाते हैं ना। वैसे डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ अपने और कई ऐसी चीज़ें हैं, उस हवाले से ये सारी चीज़ें मैं देखते हैं। बड़ा कई दफ़ा प्रॉब्लम बना गई उसका क्या तरीका होता है? वो इसी यहीं से करते हैं, वो ज्यादा ग्रिड वाले करते हैं। अच्छा, हम तो अटैच है नेशनल ग्रिड के साथ, जितने भी पावर ऑफिस और जो है ग्रिड है हमारे जो नेशनल ट्रांसमिशन सिस्टम, क्योंकि वो ग्रिड के साथ नेशनल ग्रिड के ना इधर वहां से रीडिंग हो जाती है, जितनी जनरेट होगी अगर चलेगी वो नेशनल। अच्छा, ये एक और बताएं कि ये जितनी भी मिसाल के तौर पर 22 मेगावाट कैपेसिटी है आपकी जी, तो 22 से आपकी कैपेसिटी 16-17 पे आ रही है, अब 16-17 को ही बिल करते हैं या क्या? कितने 16-17 जितनी जनरेट होती है तो वो बिल किसको करते हैं? बहुत सारे हमारे प्रोविंसेस हैं, लोग हैं, वो तो बिल ही देते हैं। नहीं, ये जो है नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगी, वो आप नेशनल ग्रिड से एंटिटीज के जो है वो आपके नेक्स्ट जो आपकी हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अच्छा अच्छा, उनको वो तो ओवर बिलिंग बड़ी करते हैं, वो फिर इसी को पूरा करने के लिए करते हैं। नहीं, वो तो आपके अपने लाइन लॉसेस होते हैं, जब वो तो लाइन लॉसेस करते हैं ना। वो क्या चीज़ है लाइन लॉसेस? क्या है जो लोगों ने चोरी की होती है? चोरी होती है, कोई शॉर्ट फॉल आ जाते हैं, शॉर्ट फॉल लाइनों में भी जो है लग जाया होता है। अच्छा अच्छा, चले आए सर। बाकी स्टेशन के एग्जरी जो चल रहे हैं, जो भी बिजली तरह इस्तेमाल वाली, इसके अलावा जो है वो काउंट करते हैं जो नेट लगी, उसके अंदर मीटर लगी हुई, ये हाँ, ये 2 मीटर खाने के लगे हुए और 2 उसके मकवाल के लगे। यहाँ से आप अपनी वो कैलकुलेशन कर रहे थे, फिर मिल भी गई बिल्कुल, और हमारे कॉलोनी को भी रसीद आ गई, वो भी गेट को क्लियर ही अंडर है। सही हो, 11 के भी जनरेट हो रही है, और हमारे 4 ट्रांसफार्मर है, 2 है 132 के भी, जो 11 के भी को स्टेप अप करके 132 करेंगे, और 2 ट्रांसफार्मर 66 के भी, 11 के भी को 66 के भी करके चले। ठीक हो, यहाँ से ट्रांसफार्मर का है सारा, ठीक हो, जितने लेबर लगे हुए हैं से 1 किलोवाट में, 3 मेगावाट कितने किलोवाट से? तो ये जो बड़े सिटीज हैं हमारे, ये इस्लामाबाद है या लाहौर है, ये कितनी कैपेसिटी इनकी जो रिक्वायरमेंट है कितने मेगावाट की है? ये इस्लामाबाद 250 तो होगी ना कम से कम, आप देख लें एक घर का जो लोड अभी मेरे ख्याल जो मैक्सिमम एवरेज लोड है वो किलोवाट में होता है, 1 किलो या 2 केवी का, 2 केवी का, तो आप लगा लें 1 मेगावाट में जो है 1000 केवी होते हैं, 1000 किलोवाट का है। ठीक हो गया, 500 गर्मी है, 1 मेगावाट को 500 घर का नुकसान, चले इसको रिकैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है सर, ये जो ये जनरेटर 1 लगा हुआ है, जनरेटर 2 ठीक है, और 11 के भी जनरेट हो रही है, 11 के भी जो बस बार है, ठीक है, ट्रांसफार्मर 132 11-132 स्टेप अप करके ये चली जाएगी खारी, फिर ये लगा हुआ 11/66 kV 11 kV को 66 kV में स्टेप अप करके ये चली जाएगी मल्टवाल, और बाकी 11/11 ही जो हमारी अभी चल रही है वो 11 भी है। ठीक है,
तो अभी भाई ये थी जी आज की सारी वीडियो जो आपको मैंने ओवरऑल ये सारी दिखाया है, सारा रसूल पावर हाउस, इसमें कैसे बिजली बनती है, कैसे इसकी टर्बाइनें होती हैं, कैसे पेनस्टॉक से पानी आता है, कैसे अपर जेलम कनाल से पानी आ रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में कैसे बिजली प्रोड्यूस करते हैं और आगे ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, मुझे इश्तियाक सानी